रांची के अशोक नगर में एक न्यूज चैनल के दफ्तर में दो भाइयों महेंद्र अग्रवाल और हेमंत अग्रवाल की हत्या के मुख्य अभियुक्त लोकेश चौधरी ने 20 महीने बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जहां से उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वे खुद रांची के सिविल कोर्ट में पहुँच कर अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया और राजनीतिक साजिश का शिकार बताया। तो भरोसा है आज न कल आप लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी, मैं पूरी तरह इसमें निर्दोष साबित होऊंगा। न्याय पे भरोसा है, न्याय पे भरोसा है, लेकिन जो हथियार मिले थे पैसे होने के बाद सामने आ रही थी, हथियार किसके थे? आपको पता है कोई भी नहीं करता, जो भी लोग फंसे सब उसी दिन आए थे मेरे यहाँ। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में 6 मार्च को अशोक नगर स्थित एक न्यूज चैनल के बंद कार्यालय में हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लोकेश चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया था। देखिए, यह तर्क नहीं, हम लोगों ने न्यायालय में भी सरेंडर किया, जब आगे बेल फाइल करेंगे तब तर्क और बाकी सारे डिटेल उस वक्त हम लोग बात करेंगे। उसके तहत उन्होंने क्या कुछ अपना कोर्ट के नहीं, कोर्ट के सामने अभी कुछ नहीं, अभी हमने कि सिर्फ है कि कोर्ट का आदेश है हम लोग सरेंडर करें, क्योंकि हम नेम्ड अक्यूज्ड हैं और हमने कोर्ट न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया। अब आगे जब हम लोग बेल फाइल करेंगे तो आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, क्या हम लोग अपना ग्राउंड लेते हैं, फिर आप लोग सामने रहेंगे, फिर आगे बात।